दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आर्किट अशोक गोयल। हाल ही में दो ऐसी घटनाएं हुई कि मुझे लगा कि मुझे आप सबसे बातचीत करनी चाहिए। मुझे उत्तर भारत से एक युवा आर्किट का, हिंदी भाषी क्षेत्र से एक युवा आर्किट का टेलीफोन आया। उसने बताया, सर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किट के चुनाव में उम्मीदवार बनने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने उसे सूचित किया कि दोस्त मैं IIA का सदस्य नहीं हूं, किसी जमाने में था, उनकी गतिविधियों से निराश होकर मैंने सदस्यता छोड़ दी। मैंने उससे कारण पूछे कि क्यों ऐसा करना चाह रहे हो। उसने कहा, सर मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, बहुत थोड़ी सी वोटों से हार गया था। मैंने कहा, आप क्या कर पाओगे? उसने कहा, सर सिविल इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन बनी है, 5 लाख से ज़्यादा लोग ये लोग मोबिलाइज कर चुके हैं और ये संसद में इंजीनियर्स बिल को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इस तरह की बातें कही गई हैं कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे सबका अधिकार होगा, सिर्फ आर्किटेक्ट्स का नहीं, और इंजीनियर्स के पक्ष में तरह तरह के सुझाव इन्होंने तैयार किए हैं, जिससे इंजीनियर्स का भविष्य और करियर सुरक्षित हो सके। मैंने कहा, तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? 5 लाख नहीं बल्कि देश में 10 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स हैं जो निर्माण के कार्य में जुटे हैं और उनका भविष्य सुरक्षित होना भी चाहिए। मैंने उसे शुभकामनाएं दी। अब दूसरी घटना देखिए, हमारे आर्किट्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, 250 से ज्यादा सदस्य हैं, देश के नामी गिरामी बहुत सीनियर आर्किट्स, बहुत सीनियर शिक्षाविद, बहुत सीनियर और अनुभवी लोग, IIA के विभिन्न चैप्टर्स के प्रेसिडेंट्स उसमें सदस्य हैं। उसमें किसी ग्रुप मेंबर ने राजस्थान के चीफ टाउन प्लानर की एक अधिसूचना की कॉपी डाली, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के चीफ टाउन प्लानर के नाम पर एक आवेदन कोई काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट कर सकता है और उसे राजस्थान में नक्शे पास कराने की अथॉरिटी दी जाएगी। मैं ठीक से समझाता हूँ, यूँ तो आर्किटेक्ट देश भर में बिल्डिंग प्लान सबमिट करते हैं, अथॉरिटीज उसको पास करती हैं, लेकिन राजस्थान वालों ने एक नया प्रस्ताव रखा सामने कि ये अथॉरिटी, नक्शे पास करने की अथॉरिटी आर्किटेक्ट्स को दे देगी। उसके लिए उस आर्किटेक्ट का काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है और वो आर्किटेक्ट अगर राजस्थान का है तो उसको प्रारंभ में 50,000 रुपये फीस देनी होगी और हर साल नवीनीकरण के लिए 12,500 रुपये वो फीस ले देगा। किसको? चीफ टाउन प्लानर राजस्थान सरकार के नाम। और मजेदार बात देखिए, अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत टारगेट राजस्थान का नहीं है तो उसको 1,00,000 रुपये फीस देनी होगी और सालाना नवीनीकरण के लिए उसको 25,000 देनी होगी। बड़ी विचित्र बात है, दो तरीके के आर्किटेक्ट, दो तरीके के खेमों में राजस्थान सरकार ने बांट दिए। कौन से कानून के तहत ये तो वही जाने। और विचित्र बात देखिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट अपना बिल्डिंग प्लान पास कराने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा एक अन्य पंजीकृत आर्किटेक्ट के पास जाएगा, जिसे राजस्थान सरकार ने अनुमति दी कि वे उस प्लान की स्क्रूटनी करे और सही पाए जाने पर उसको सैंक्शन कर दे। बड़ी विचित्र बात है।
आर्किटेक्ट की संप्रदाय में किस तरीके की खेमेबाजी शुरू हो गई। एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, दूसरे प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट के नक्शे पास करेगा, या जिसको आप अंग्रेजी में बोल दें बिल्डिंग प्लान की स्क्रूटनी करके उसको सैंक्शन करेगा। और आगे देखिए, अगर ये तथाकथित सैंक्शनिंग अथॉरिटी यानी ये आर्किटेक्ट राजस्थान का नहीं है तो उसको सालाना 25,000 देने होंगे, शुरू में 1,00,000 रुपए देने होंगे, और अगर राजस्थान का है तो शुरू में 50,000 देने होंगे और सालाना 12,500 रुपए फीस राजस्थान सरकार को देनी होगी इस पैनल पे बने रहने के लिए। कैसी शर्मनाक बात है। इस तरह की जानकारी आपके संज्ञान में आई है, सभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के वरिष्ठ सदस्यों के संज्ञान में आई है। आज तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया। जयपुर में चीफ टाउन प्लानर का जो इस पर पता दिया गया है उस पर किसी ने कानूनी नोटिस नहीं भेजा। किसकी जिम्मेदारी है? ये एक अवैध गतिविधि है। मैं तो अल्प ज्ञान रखता हूं, मुझे नहीं पता कि काम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का है। उधर इंजीनियर्स की एसोसिएशन बन रही है, संगठित हो रहे हैं, इंजीनियर्स के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और इधर सरकारी तंत्र आर्किटेक्ट्स को तरह तरह के खेमू में बांट रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के इलेक्शन प्रस्तावित हैं, तरह तरह के वायदे किए जा रहे हैं, किए जाएंगे, लेकिन ये जो वास्तविक समस्याएं हैं इस पर भी मेरा इन महानुभावों से निवेदन है, कुछ गौर कर लीजिए। वेबिनार सेमिनार सस्टेनेबल आर्किटेक्चर ECBC से थोड़ा सा समय निकालकर इन विसंगतियों की तरफ भी ध्यान दीजिए। आपकी क्या राय है बताइए जरूर। शुभकामनाएं।